हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ पूजा और होम स्टाइल कुकिंग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, चिल्ड्रन स्पेशल वीक में आज की हमारी दूसरी रेसिपी है चीज बॉल्स। तो ये बच्चों को तो पसंद आते ही है, लेकिन बच्चों के साथ साथ बड़े भी इसे बहुत मजे से खाते हैं और ये गर्मा गर्म तो बहुत ही अच्छे लगते है। तो चलिए आज की हमारी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, चिल्ड्रन स्पेशल वीक में आज की हमारी दूसरी रेसिपी है चीज बॉल। तो चीज बॉल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे एक बॉल में 1 कप उबले हुए आलू को मैंने कद्दूकस करके लिया है, वो ले लेती हूँ। इसमें आलू को कद्दूकस करना बहुत ज़रूरी है। और अब मैं इसमें डालूँगी 1 छोटी सी हरी मिर्च मैंने कट करके ली है, क्योंकि हम बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसके लिए मैंने हरी मिर्च कम ली है। अब मैं इसमें डालूंगी 1 हरा फ्रेश धनिया। और अब मैं इसमें डालूंगी 1 टीस्पून मैंने मिक्स हर्ब्स लिए हैं और 1/2 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स। और अब मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर, क्योंकि हम ये बच्चों के लिए बना रहे हैं, इसके लिए मैंने स्पाइसेस थोड़े कम ही डाले हैं। आप चाहो तो आप इसमें स्पाइसेस थोड़े और बढ़ा सकते हो। और अब मैं इसमें डालूंगी ये छोटा सा मैंने अदरक का टुकड़ा लिया है, उसको मैं ये ग्रेटर पे ग्रेट करके डालूंगी। और अदरक को ग्रेट करने के बाद यहाँ पे मैंने ये 2 लहसुन की कलियाँ ली है, वो भी अब मैं इस पर ग्रेट कर देती हूँ। और अब मैं इसमें डालूंगी ये मैंने 2 ब्रेड के स्लाइस लिए है। तो मैंने यहाँ पे आटा ब्रेड यूज़ किया है, आप नॉर्मल ब्रेड भी ले सकते हो। तो अब ये ब्रेड को हम छोटा छोटा ऐसे टुकड़ों में कट करके इसमें डाल देंगे। तो ये जो ब्रेड हम इसमें डाल रहे हैं, वो हमारे बॉल्स जो हम बनाएंगे उसको बाइंडिंग का काम करेंगे। और लास्ट में अब मैं इसमें डालूंगी स्वादानुसार नमक। और नमक डालने के बाद अब इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से मिक्स कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ पे अपना ये डो मैंने तैयार किया है और इसमें हमने ब्रेड डाला है, उसके वजह से एकदम परफेक्ट डो बन के ये तैयार हो जाते हैं। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ और बॉल को कवर करने के लिए जो एक स्लरी लगेगी वो पहले हम तैयार कर लेते हैं। और यहाँ पे मैं एक दूसरा बॉल ले लेती हूँ और ये बॉल में मैं 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर लूँगी और 2 टेबलस्पून मैदा। और अब मैं इसमें पानी डाल के इसकी एक पतली सी पेस्ट बना लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ये अपनी स्लरी बिल्कुल तैयार हो गई है। तो आप देख सकते हो इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो हम ऐसे ही रखेंगे, इसे ना ही ज़्यादा हम पतला बनाएंगे और ना ही ज़्यादा गाढ़ा रखेंगे। तो अब मैं इसमें थोड़ा सा नमक डाल देती हूँ और फिर से एक बार इसे मिक्स कर देती हूँ। तो यहाँ पे ये अपनी स्लरी भी तैयार हो गई है। तो अब मैं इसे साइड में रख देती हूँ। और अब यहाँ पे मैंने एक प्लेट में ब्रेड क्रम्स लिए हैं और ये मैंने चीज़ के छोटे छोटे ऐसे क्यूब कर दिए जो हम बॉल्स के अंदर स्टफ करने वाले हैं। तो यहाँ पे सब अपनी तैयारी हो गई है, तो अब हम बॉल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। ये जो हमने डो बनाया है आलू और ब्रेड का, उसमें से थोड़ा सा हम पोर्शन ऐसे हाथ में लेंगे और उसका बॉल बना के फिर हम हाथ पे ऐसे उसको स्प्रेड करेंगे। और फिर ये जो हमने चीज़ क्यूब कट करके रखी है उसको इसके अंदर फिल करेंगे और चारों साइड से अच्छे से इसको बंद करेंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए ये हमने इसे बॉल इसका तैयार किया है। तो इसमें सिर्फ एक बात का हमें ध्यान रखना होगा कि जब भी हम इसके अंदर चीज़ स्टफ करेंगे तो चीज़ चारों तरफ से कवर होना बहुत ही ज़रूरी है। तो उससे क्या होगा, जब हम ये बॉल्स को फ्राई करेंगे तो चीज़ बाहर नहीं आएगा। तो यहाँ पे ये बॉल मैंने तैयार किया है, अब मैं इसको ये जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं उसके अंदर अच्छे से कोट करेंगे और फिर से एक बार हाथ में लेके इसे हल्के हाथ से दबाते हुए उसको गोल बनाएंगे। और अब हम इसको ये जो हमने स्लरी बनाई है इसके अंदर डिप करेंगे और इसमें से निकाल के फिर से एक बार हम
ये ब्रेड क्रम्स में डालेंगे और फिर से एक बार इसके ऊपर से अच्छे से ब्रेड क्रम्स को कोट करेंगे। तो फ्रेंड्स इसे डबल कोट करना बोलते हैं। तो यहाँ पे अपना चीज़ बॉल बिल्कुल तैयार हो गए। तो अब मैं इसे एक प्लेट में साइड में रख देती हूँ और इसी तरह से दूसरे हमारे बॉल्स में तैयार कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे मैंने सारे चीज़ बॉल्स तैयार करके लिए हैं। तो अब हम इन्हें फ्राई करेंगे, लेकिन आप अगर ज़्यादा क्वांटिटी में ऐसे चीज़ बॉल्स बना के रखोगे तो एयर टाइट डब्बे में या तो फिर जिपलॉक बैग में बंद करके डीप फ्रीजर में आप इसे रखोगे तो 15 से 20 दिन ये आप रख सकते हो और आपका जब भी मन हो तब आप निकाल के इसे फ्राई करके खा सकते हो। सिर्फ आपको एक ही बात का ध्यान रखना है कि जब भी आप डीप फ्रीजर में से इन्हें बाहर निकालोगे रूम टेम्परेचर पर आने तक वेट कीजिए और उसके बाद फ्राई कीजिए। तो चलिए अब हम अपने ये चीज़ बॉल्स फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पे अपना तेल गरम हो गया है तो इसे हम पहले चेक कर लेते हैं। ये देखिए एकदम परफेक्ट तेल अपना गरम हो गया है। तो अब मैं इसमें एक एक करके ये अपने बॉल छोड़ देती हूँ। और अब मैं इनको हल्के हाथ से चलाते हुए गोल्डन ब्राउन कलर होने तक फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे बॉल्स ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो गए हैं। तो अब हम इन्हें ज़्यादा देर तक तेल में नहीं रखेंगे, नहीं तो अंदर जो हमने चीज़ डाला है वो पिघलने लगेगा और वो बाहर आ जाएगा। इसके लिए अब हम इन्हें एक प्लेट में निकाल देंगे। ये देखिए आप देख सकते हो बिल्कुल चीज़ कहीं से भी बाहर नहीं आया है और अपने बॉल्स जो है वो एकदम परफेक्ट कुक होके बाहर आ गए हैं। तो इसी प्रकार मैं बाकी के बचे हुए बॉल्स भी फ्राई कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स ये देखिए यहाँ पे अपने चीज़ बॉल बिल्कुल तैयार हो गए हैं। तो ये जो अपने चीज़ बॉल्स हैं वो बच्चों के साथ साथ बड़ों को भी बहुत पसंद आते हैं। तो ये ऊपर से एकदम क्रिस्पी बनते हैं और अंदर से उतने ही सॉफ्ट होते हैं। तो इसमें मैं एक आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए अंदर से चीज़ कैसे मेल्ट हो गए हैं। तो फ्रेंड्स देखा आपने सबको पसंद आने वाली ये रेसिपी कितनी एकदम इजी है और ये गर्मा गर्म खाने में तो बहुत ही मज़ा आता है। तो आप भी ये चीज़ी बॉल एक बार ज़रूर बना के देखिए और मुझे कमेंट करना मत भूलना कि आज की मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी। तो चलिए अब हम फिर मिलेंगे अपनी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक थैंक यू।